मध्य प्रदेश के बैतूल में जिहाद को लेकर आज हिंदू संगठनों ने बडोरा पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। धरना प्रदर्शन के कारण घंटों तक जाम लगा रहा। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से चर्चा की और उनकी मांग पर कार्यवाही का आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन समाप्त कराया। कृष्णकांत गांधी ने बताया कि जिले में एक नए तरीके का जमीन हथियाने का षड्यंत्र एक समुदाय विशेष के द्वारा किया जा रहा है। सीधे तौर पर जिहाद है, इसको लेकर 8 दिन पहले जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। जिला प्रशासन ने शिकायत के आधार पर किए जा रहे अतिक्रमणों को हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन 15 दिन होने के बाद भी समुदाय विशेष द्वारा दिए गए अतिक्रमण हटाए नहीं गए। इसको लेकर आज बडोरा के माचना नदी पुल पर हिंदू संगठनों, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और अन्य कई संगठन शामिल हुए थे, जिन्होंने धरना प्रदर्शन करने के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। प्रदर्शन को लेकर नायब तहसीलदार डॉली रैकवार, गंज टीआई अनुराग प्रकाश, बैतूल बाजार टीआई आदित्य सैन के अलावा पुलिस मौके पर पहुंचा था। अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर रहे संगठनों से पदाधिकारियों से चर्चा की और उनकी मांग जिला प्रशासन तक पहुंचाने के साथ ही 25 सितंबर तक उस पर निर्णय लेने की बात कही। आश्वासन मिलने के बाद हिंदू संगठनों का धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो गई। बैतूल जिले के अंदर जो लैंड जिहाद चल रहा है उसको लेकर के इसके पूर्व में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था। उन्होंने 8 दिन का आश्वासन दिया कि 8 दिन के अंदर हम जो अवैध अतिक्रमण है उन्हें हटाकर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज 12 दिन होने के बाद में भी उन्होंने ऐसा मतलब प्रशासन के द्वारा कोई हम संतुष्ट हो जाए ऐसी कार्रवाई नहीं की। तो हिंदू समाज और संगठन ने मिलकर के आज यहाँ पर बडोरा ब्रिज पर चक्का जाम किया और हमारी जो पूर्व की मांगे थी कि जितने अवैध अतिक्रमण किए जा रहे हैं उन्हें चिन्हित करके और उन्हें हटाया जाए, क्योंकि यह पूरे बैतूल जिले के अंदर एक टारगेट करके विशेष समुदाय के द्वारा लैंड जिहाद ऐसा एक वो चला रहे हैं। इसको लेकर के हमने यहाँ पर आज चक्का जाम किया था और हमारा हिंदू समाज का बहुत सहयोग भी मिला। प्रशासन ने हमें 25 तारीख का आश्वासन दिया है कि 25 तारीख का तक हम निर्णय कर लेंगे, और अगर 25 तारीख तक निर्णय नहीं होता है तो फिर हिंदू समाज इससे डबल और उग्र रूप में आंदोलन करेगा, ये हमने प्रशासन से बता दिया है। अतिक्रमण संबंधी एक विवाद चल रहा है, उसी के चलते चक्का जाम किया गया था। प्रशासन से इनकी बात हुई है, उसी आश्वासन के बाद इनके द्वारा चक्का जाम खोला गया है। अब सुचारू इनको समय दिया गया है, इनको सोमवार से इनकी पेशियाँ चालू हो रही हैं, वहाँ पे आश्वस्त किया है इनको। चक्का जाम जो किया था उस पर कोई कार्रवाई वगैरह वो निश्चित रूप से आगे अब होगी कार्रवाई, उस पर जो भी विधि कार्रवाई होती है वो की जाएगी।